जल गई। मल्टी कलर करके दिखाते हैं आपको, ये येलो हो गया। जैसे मैं इसके कलर चेंज करूँगा ऑटोमेटिक, ये कलर चेंज होते रहेंगे सेम और सेम। भी लाइट और कोई भी वायरिंग नहीं दिखेगी इसमें पूरी कुसाक ये कार्डी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैक इसमें का। तो ये हमारे पास आज ये स्कूडा कुसाक है, दे सकते हो। तो अभी हम इसमें कार्डी लाइट लगाएंगे, तो वो मैं दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या होगा। उसमें लगाएंगे हम कार्डी लाइट। तो अभी सर के घर पे आ रखे हैं नोएडा के अंदर, तो करते हैं फिटिंग को चालू। और पहले आपको लाइट दिखा देते हैं अनबॉक्सिंग करके कि कैसी है कैसी नहीं है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लगाने वाले हैं ये है कार्डी की लाइट, कार्डी, और ये 64 कलर वाली है। इसमें 64 कलर है, मोबाइल से ऑपरेट होती है। इसको मैं एक बार आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली में हमने पहले कर रखी थी इसकी अनबॉक्सिंग, और अभी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ क्या क्या होगा कैसे कैसे। तो ये मैंने कर ली थी पहले चेक करने के लिए। तो इसमें एक तो दरवाज़ों की लाइट होती हैं जो कप होल्डर में या हैंडल में लगा सकते हो आप, पूरी कपलर टू कपलर रहता है। और इसके अंदर जो चार ये दरवाजे की लाइट रहती हैं, और एक होती है डैशबोर्ड वाली, इसमें हम डबल कर सकते हैं दोनों में। और इसका जो वायरिंग है जो सीट के नीचे के लिए और पैरों के लिए ये होती हैं, ये फुल्ली वाट वो होती हैं पैकिंग। और ये इसका स्कैनर होता है जो हमें फ़ोन में स्कैन करना होता है उसको लगाने के लिए ऐप के लिए। और एक इसमें रिमोट कंट्रोल दे रखा है। तो अभी हम इसको लगाते हैं। ये है अपनी एस्कोडा, ये देख सकते हो, ये अपनी एस्कोडा है कुसाक। तो अभी हम चालू करते हैं इसके, पहले गत्ते खोल लेते हैं। गत्ते खोलने के बाद इसमें हम लगाते हैं कार्डी लाइट। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो करते हैं इसका काम स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद आपको दिखा देते हैं कि इसकी फिटिंग और क्वालिटी कैसी है। इसका गत्ता खोलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इधर देख सकते हो एक कुसाक के अंदर ये गत्ता खोलने के लिए इधर एक वो दे रखा है पेचकस लगाने के लिए जगह होती है। ये किसी ने पहले खोला है, तो अभी हम इसको पैनल को खोलते हैं। पहले ये पैनल निकलेगा, तो अभी पहले पैनल खोल लेते हैं इसका। ये हमने निकाल लिया है इसका पैनल। एक स्क्रू इधर है और एक देख सकते हो इधर है एलन की वाला। तो अभी हम इसको भी खोल लेते हैं, खोल चुके हैं। और एक इसके नीचे भी है, ये मैं दिखा देता हूँ ये रहा। अब इसमें इधर तो पैक है, अब ये खुलेगा कैसे अब वो हम दिखा देते हैं। जो इसका ये ब्रैकेट सा है ये वाला, इसको हम सीधा कर देंगे पेचकस की मदद से सीधा कर देंगे। ये हो गया बिल्कुल सीधा, ये देख सकते हो। अब ये क्या होगा जैसे अगर मैं पेचकस से, ये देख सकते हो ये निकल गया। तो पूरा गत्ता खोल लेते हैं, खोलने के बाद आपको दिखा देते हैं इसको। इसका लॉक निकालने के लिए ये वाला पहले ये प्रेस होता है, ये जैसे हम प्रेस करेंगे तब ऊपर उठाएंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर खींचोगे तो टूट जाएगा। अब इसके एक बार मैं कपलर भी निकाल देता हूँ। वो राइट वाला खुल चुका है, ये लेफ़्ट वाला भी सेम इसका प्रोसेसर है खुलने का। और ऐसे लेफ्ट का राइट खुल गया है, और ये भी लेफ्ट का ऐसे खुलेगा। ये सारे खुल रहे हैं, इसको मैं खोल देता हूँ सेम प्रोसेसर के साथ। तो देख सकते हैं ये पूरा, ये फ्रंट के जो गत्ते हैं वो लग चुके हैं ये दोनों। इसकी देख सकते हो जो लाइट है कुछ इस टाइप की लगी है, इसमें कोई कटिंग नहीं है रियर से, सारी अंदर अंदर है। और ये हमने एक वेलक्रो लगा दिया इसके अंदर कि जो वायर है वो ना निकले। कपलर इसका ये आ गया, और एक जो राइट का है वो मेरा इधर लगा दिया है। और इसके जो रियर से वायर है वो मैं भी दिखा, ये रहा ये हमने स्विच लगा दिया है, ये रहा इधर ये जो वायरिंग है इधर से ऊपर आ जाएगी, ये सॉकेट के अंदर लग जाएगी। ऐसे ही मैंने इसमें किया है लेफ्ट वाले में, ये रहा ये देख सकते हो पूरा ये फिटिंग हो गया है। इसमें हमने कटिंग भी नहीं की है, ये भी पूरा
फिटिंग हो गया है। ये हमने यहाँ भी वेलक्रो लगाई है कि तार नहीं निकले, और ये अपना नीचे वाला ये रहा मेरा। तो ये हम इसको भी साइड में रख देते हैं, ये दो गट्टे कंप्लीट हो गए, वायरिंग भी सब में हो रही है। ये दिखा देते हैं, पिन अंदर डाल दिया इसके अंदर, तो ये निकलेगा नहीं, कोई तार कटिंग नहीं है इसमें। लाइट वाला भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऐसे ही राइट में कर लेते हैं पूरा पैक। इसमें कनेक्ट है इस वाले में, कपलर के अंदर कोई तार कटिंग नहीं है। ये ट्यूटर्स की वायरिंग है, ये ऑलरेडी सर ने पहले करा रखी है स्पीकर्स की कंपोनेंट्स के। और ऐसे ही हमारी इधर है, और एक अर्थिंग है, ऐसी चारों दरवाजे हैं। इधर मेल फीमेल वेलक्रो है, इसका जो कपलर है वो ये लग चुका है, नीचे वाला ये लग चुका है, और दोनों ये रहे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके इधर अंदर चिपका देंगे। मैंने सफाई कर दी थी इसकी, ये हो गया चिपक गया। अब चिपकने के बाद ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लड़ेगा तो नहीं, नहीं। अब इस एक बार हम इसको पूरे को पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद तो पूरी चालू हो गई है। अब इधर के भी गेट लगा लेते हैं, और इसके जो नीचे हैं वो भी देख सकते हो। और ये हमने इधर इतने लगा रखे हैं, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। अब पूरा हम फिट कर लेते हैं, फिटिंग के बाद आपको दिखाते हैं। ये मल्टी कलर है, 64 कलर है इसके अंदर, पूरा फिटिंग के बाद दिखाते हैं आपको। वो भी गेट लगा देते हैं अभी। हमारा एक ये भी गत्ता लग चुका है, इसमें देख सकते हो मैंने इधर थोड़ा सा कटिंग करके इसको निकाला था। ये इसका वायर है, कपलर है इसका, जो ये वाला है ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये इधर लगा दिया है, ये पूरी वायरिंग एक साथ आकर इधर, मैं इसका बॉक्स चिपका दूँगा इधर या इधर वेलक्रो से। और डबल साइड टेप भी होगी इसके अंदर। और जो इसकी फिटिंग है कुछ इस टाइप की फिटिंग है, ये देख सकते हो। अभी ये क्या है, ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, लॉक के नीचे। तो ये पूरा फिटिंग हो चुका है, ये देख सकते हो। और मैं एक सेकंड, ये पूरा प्लान है। तो अभी इसको भी हम रख देते हैं साइड में। इसका जो अंदर वाला था वो इधर लगा दिया हमने ड्रिल कर, तो इसको भी हम साइड। तो ये अपना लेफ्ट राइट का रियर का भी लग गया है। इधर हमने ये बॉक्स लगा दिया है वेलक्रो से, ये देख सकते हैं ये वेलक्रो है। और इधर ये लग चुका है, एक कपड़े टू कपड़े लग चुका है। और इसकी अभी फ़िलहाल में कुछ इस टाइप की फिटिंग आ रही है, अभी पूरा पैक होने दो। और ये देख सकते हो पूरा, अभी हम इससे कोई पैक कर लेते हैं, हम चारों गत्तों को पैक करके और डैशबोर्ड लगाने के बाद आप फाइनल दिखाएंगे आपको। देख सकते हो कुछ इस टाइप की रहेगी, तो चलिए कर लेते हैं इसको पैक। और ये सीट के नीचे वाली भी लग चुकी है, वो मैं लगा देते हैं। स्कैनर आ गया अब, ये रहा, इसको अभी ऊपर कर देंगे, सारी वायरिंग को बांध देंगे। तो ये पूरी हमारी जो एम्बियंस थी वो सारी लग चुकी है, इधर कुछ इस टाइप की है। और ये देख सकते हो ये डोर के अंदर है, इसमें कोई कटिंग नहीं हुई है, जो आपने वीडियो में देखा था। इस चारों में पैनलों में ऐसी सेम लगी है। रियर में हमने इधर क्या था, इधर ये पूरा पैक था, तो इसको हम कटिंग नहीं कर सकते थे, सर ने भी मना कर दिया था। तो हमने इसकी इधर लगाई है, ये देख सकते हो इसके अंदर वाली है वो, ये वैसे ही लेफ्ट में सेम है। बाकी अब ये हम इसको जला देते हैं, इग्निशन ऑन, जैसे ये पूरी जल गई। अभी अब इसको हम मल्टी कलर करके दिखाते हैं आपको। बंद है ना, देखा ना सर फोन, ये सर ने ऐप डाउनलोड कर लिया। जैसे अगर मैं येलो, एक सेकंड, इसका ये येलो हो गया। जैसे मैं इसके कलर चेंज करूँगा ऑटोमेटिक, ये कलर चेंज होते रहेंगे सेम, और सेम ही इधर रहेगा इसके अंदर ये। और इसकी ये पूरा इसका पेज, ये 14 लाइन है, इसके नीचे भी है, इसके सीट के नीचे भी है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। एक ये रही, और एक इधर है, और इसके सीट के नीचे ही है। कोई भी लाइट और कोई भी वायरिंग नहीं दिखेगी इसमें पूरी गाड़ी के अंदर। मैं लेफ्ट का भी दिखा देता हूँ आपको, कुसाक ये ऐसे सेम इधर है।
कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।